हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, देवताओं ने शैडो थ्री रियल्म्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी, लेकिन वे इसमें कमजोर पड़ रहे थे। अब जो शैडो क्रिएचर्स होते हैं वो इस रियल वर्ल्ड में आने के लिए हमारी फ्लावर फेरी को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। अब इसके लिए वो एक ऐसे रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ फ्लावर फेरी की ही पैरानॉर्मल स्प्रिट का यूज करके उस क्वीन मदर के जो 3 फॉरबिडन कास्ट के स्पेल होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों सील में से 2 सील अब टूट चुके हैं। अब जैसे ही वो लॉर्ड चिंग तीसरी सील तोड़ने ही वाला होता है जिसमें फेरी की जान भी जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसे फेरी से कुछ लगाव हो गया था। तभी एन मौके पे वो 2 देवता वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही वो लॉर्ड चिंग उनसे फाइट करने जाता है, वो शैडो एंटिटी उससे कहती है कि तुम्हें इसमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस रिचुअल को परफॉर्म करना है। आगे हम देखते हैं कि उन देवताओं से निपटने के लिए वो शैडो एंटिटी अपने जनरल्स को सम्मन करता है, क्योंकि अब 2 सील टूट चुके थे तो शैडो वर्ल्ड के डार्क क्रिएचर्स इस दुनिया में आ सकते थे। यहाँ वो शैडो जनरल्स अपना भारी भरकम इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो ये कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सीन यही कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं उसी शैडो एंटिटी को जो अब डेविल के सबकॉन्शियस माइंड में एक रूप धारण कर चुका था। यहाँ वो शैडो एंटिटी डेविल के माइंड में उसी स्पेल को ढूंढ रही होती है जिसका इस्तेमाल करके वो चीज ऑयल से बॉडी बना सकता है, लेकिन यहाँ डेविल के माइंड में उसे बहुत सारे मंत्रों का जाल दिखता है। साथ ही वो उसके माइंड में एक ऐसी सील को देखता है जहाँ डेविल की सारी शक्तियाँ कैद होती हैं। अब वो ये देख के तो हैरान रह जाता है कि इस तरह का पावरफुल मैजिक भी इस दुनिया में है जो इस डेविल के पास है। आगे हम डेविल का यहाँ पे भव्य रूप देखते हैं जो उसे डराते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माइंड में इस तरह से विदाउट परमिशन घुसने की। यहाँ डर के मारे उस शैडो एंटिटी की हालत खराब हो जाती है और वो अपने घुटने टेक देता है। तभी वहाँ पे डेविल अपीयर होता है और उसे ये कहते हुए कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इस तरह का कैद करने वाली स्पेल कास्ट करने की। अब वो उसे जोर से मारता है और यहाँ पे उसकी बुरी तरह से कुटाई शुरू हो जाती है। यहाँ डेविल उसे लगातार मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पाताल लोक भेज दूंगा जहाँ हजार सालों तक तुम्हारी इसी तरह कुटाई होगी। जिस पे वो शैडो एंटिटी से कहता है कि मुझे मत मारो, शैडो थ्री रियल्म से कैसे डील करना है मैं तुम्हें इसके सीक्रेट्स बता दूंगा। जिस पे डेविल कहता है कि मैं इसे जान के क्या करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है शैडो थ्री रियल्म से। जिस पे वो शैडो एंटिटी कहती है तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अगर तुम शैडो वर्ल्ड को डिफीट कर लोगे तो सारे थ्री रियल्म्स में तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी और तुम हीरो बन जाओगे। जिस पे डेविल ये कहते हुए हंसने लगता है कि अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो क्योंकि इन तीनों रियल्म्स में मुझसे ज्यादा कोई पावरफुल है ही नहीं, तो मुझे ये ग्रेट ऑनर अचीव करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि ये ग्रेट ऑनर खुद मैं ही हूँ। अब जैसे ही डेविल उसे मारने वाला होता है कि वो अपने आप को बचाते हुए कहता है मुझे मत मारो क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रिजन से कैसे बाहर निकलना है इसका स्पेल बता दूंगा। जिस पे डेविल ये कहते हुए कि कोई भी ऐसा स्पेल नहीं है जो मैं तोड़ ना सकूं क्योंकि मैं सारे स्पेल्स और मंत्रों का प्रो हूं। आगे वो शैडो एंटिटी अपने आप को बचाने के लिए उसे यूजलेस ऑफर्स दे रही होती है और यहाँ डेविल बस एक ही जिद पे अड़ा होता है कि अब तुम्हें मरना होगा। आगे वो शैडो एंटिटी उसे बताती है कि सबसे पहले उस शैडो रियल्म से वही लॉर्ड चेन बाहर आया था, उसके बाद उसने मुझे समन किया और उसने ही मुझे ये डार्क मैजिक सिखाया है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। यहाँ डेविल ये कहते हुए तो इसमें मैं क्या करूँ उसकी एक नहीं सुनता, उसे मारने वाला होता है कि वो अचानक से कहता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो फ्लावर फेरी थोड़ी ही देर में मरने वाली है। अब ये सुनकर तो डेविल एकदम सुन रह जाता है और वो एंटिटी यहाँ सोचता है कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे। अब वो उसकी कमजोरी को जान चुका है और इसका फायदा उठाने के लिए वो उससे कहता है कि जब तुम अपने लिटिल फेरी के लिए इतने कंसर्न हो तो क्यों ना तुम अब मेरे पैर पड़ो और मुझसे गिड़गिड़ाओ कि उसे कैसे बचाना है। और आगे वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेको। और उसके यहाँ इविल लुक के साथ यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शैडो थ्री रियल्म्स के 3 जनरल्स उन देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ लॉर्ड चिंग उन्हें बताता है कि तुम सिर्फ 45 मिनट तक ही यहाँ पे टिक सकते हो विदाउट वो चीज ऑयल। जिस पे वो जनरल्स उन्हें कहते हैं कि इन्हें मजा चखाने के लिए इससे कम समय ही लगेगा और यहाँ उनके बीच धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। और आगे हम यहाँ देखते हैं कि वे देवता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस पे अटैक करते हैं, लेकिन उन जनरल्स का एक बाल भी बाका नहीं होता, कुछ इफेक्ट ही नहीं होता उनपे। जिस पे वो जनरल्स उन्हें कहते हैं कि अरे कुछ तो हुआ ही नहीं, सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा है, इन्होंने कुछ किया भी है कि नहीं। उनमें से जो एक जनरल होता है वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि इनसे लड़ना तो बेकार है क्योंकि ये इतने पावरफुल नहीं है, मैं इनके मेन बंदे को ढूंढने जा रहा हूँ जो लगता है सबसे ऊपर है। और आगे उनमें से जो दूसरा जनरल होता है जो कि रॉक के शेप का होता है और उसकी फेस पे कोई शेप ही नहीं होती, वो भी वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि मैं उन 2 देवताओं से निपटने जा रहा हूँ जो तेजी से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं।
अब वहाँ पे सिर्फ एक ही जनरल बच जाती है जो ये कहते हुए बड़ी खुश हो रही होती है कि वाओ, अब इन दो निकम्मों से मैं अकेले निपटूंगी, जो मेरे लिए काफी आसान है। और आगे हम देखते हैं कि उन देवताओं और जनरल्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो शैडो जनरल्स होते हैं वो उन देवताओं पे भारी पड़ रहे थे। अब यहाँ जो रॉक्स का देवता है वो, उसकी तो हालत काफी बुरी हो जाती है, और वो अपने आप को यहाँ सेक्रीफाइस करते हुए और एक जोरदार अटैक करने के लिए अपनी सोल को लैंड में ट्रांसफर कर देता है, जिससे एक शील्ड क्रिएट होते हुए उस जनरल को लगता है, लेकिन अब भी उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ वो अपने आप को सेक्रीफाइस तो कर देता है, लेकिन जो उसका दूसरा साथी होता है उसे अपनी पावर से दूर भेज देता है वहाँ से। यहाँ विंड का देवता बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हैरान रह जाता है कि उसके साथी ने सिर्फ उसे बचाने के लिए यहाँ अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। आगे वो शैडो एंटिटी यहाँ लॉर्ड चीन को प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि वो जल्द से जल्द इस रिचुअल को खत्म करे। अगले सीन में हम देखते हैं दूसरे देवताओं को भी जो कि स्टॉर्म से उन जनरल्स का सामना कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो जो ईकल जनरल होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो सिर्फ एक अपनी फिंगर से उस स्टॉर्म को रोक लेता है। और आगे हम देखते हैं कि वो शैडो क्रिएचर्स होते हैं वो इस देवता की एनर्जी को निगल लेते हैं। आगे वो जो ईगल जनरल होता है वो जान जाता है कि इन सब का बॉस यानी वॉर ऑफ गॉड जी युआन सबसे ऊपर है और उसे उसी से निपटना होगा, तो वो उससे फाइट करने के लिए ऊपर जा ही रहा होता है। तभी वो उस विंड को देवता को देखता है जिसे बचाने के लिए अभी भी उसके साथी ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन वो जो ईगल जनरल होता है वो अपने एक स्ट्रोक से ही उस पर अटैक करता है और वो दूर नीचे गिरने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि वो ईगल जनरल जीवान के पास पहुंच जाता है और उसे चैलेंज करता है कि तो तुम ही हो इनके बॉस, तो आ जाओ मुझसे फाइट करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रॉक वाला जनरल होता है वो भी उन दूसरे देवताओं पे भारी पड़ रहा था। यहाँ वो लाइटनिंग का देवता उसकी मदद करता है, जिसपे वो दूसरा देवता कहता है कि मैं यहाँ इसे कुछ देर तक यहाँ पे रोक सकता हूँ, तो तुम अभी जाओ और जी योन को इसके बारे में खबर करो। जिसपे वो लाइटनिंग का देवता उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें यहाँ पे कोई रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रॉक जनरल तुमसे कई ज्यादा पावरफुल है जो तुम्हें मार ही डालेगा। जिसपे वो कहता है कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे इसके तरह के कितने मॉन्स्टर्स होंगे, तो तुम जल्दी से ऊपर जाओ और जी योन की उसकी पावर्स को रीगेन करने में मदद करो, क्योंकि सिर्फ वही इन सबको हैंडल कर सकता है। आगे वो लाइटनिंग का देवता उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ इससे कितनी देर तक मुकाबला कर पाओगे। जिसपे वो दूसरा देवता ये कहते हुए कि सिर्फ 15 मिनट तक ही मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब जैसे ही वो लाइटनिंग का देवता जीवन को खबर देने ऊपर जा ही रहा होता है कि वो जो रॉक जनरल होता है उस पे अटैक करता है, और यहाँ वो दूसरा देवता इसके अटैक को रोक लेता है और यहाँ उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जिसपे वो जो रॉक जनरल रहता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ 15 मिनट तक तो नहीं, सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और आगे हम देखते हैं उनकी फाइट से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि पूरे आइलैंड पे छा जाता है। दूसरी तरफ वो जो लाइटनिंग का देवता होता है वो तेजी से जीवन को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर जा रहा था, और ठीक उसी वक्त उसे वो मैंशन नजर आता है जहाँ पे डेवल को कैद किया गया था उस दूसरी शैडो एंटिटी के द्वारा। साथ ही वहाँ पे वो विंड का देवता भी गिरने वाला होता है, जिसे थोड़ी देर पहले ही उस ईगल जनरल ने उस पे अटैक किया था। दोनों साथ में ही वहाँ पे गिरते हैं, लेकिन यहाँ जो विंड के देवता की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो अनकॉन्शियस हाल में होता है। दूसरी तरफ जो लाइटनिंग का देवता होता है उसे उस जगह पे कुछ ब्लैक मैजिक का ऑरा महसूस होता है। आगे वो ये कहते हुए कि कोई तो है जिसकी मैजिकल पावर्स डिमन रियल्म से लग रही है, वो उस मैंशन के अंदर जाता है। अब उस मैंशन के अंदर जाके वो जो सीन देखता है उससे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं डेविल को जो शैडो एंटिटी के पूरी तरह कंट्रोल में थी। अब इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही होता है गाइस। सो आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।